अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड टेस्टी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत झटपट और मज़ेदार स्पाइसी अरवी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने अरवी जो है वॉश करके इसे ड्राई कर लिया है। अब हम इसका छिलका उतारेंगे। ये मैंने छिलका उतार लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके स्लाइसिस कर लेते हैं। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल बारीक जो है इसके स्लाइसेस करेंगे। हमने वॉश करके से इसलिए ड्राई करा है ताकि इसमें जो है वो लेस पैदा ना हो और बहुत मज़ेदार सी अरवी तैयार हो हमारी। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसेस मैं इसकी कर रही हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये अरवी और इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। जितनी भी लेस वाली सब्ज़ियाँ हैं इनके अलग बेनिफिट्स हैं, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। ये मैंने अरवी बिल्कुल थिन स्लाइसेस कर लिए हैं इसके। यहाँ पे 750 ग्राम्स मैंने अरवी ली हुई है। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हुए 4 से 5, टमाटर लिए हुए मैंने 3 मीडियम साइज़ के, हरी मिर्चें मैंने 7 ली हुई हैं और लेमन लिए हुए मैंने 2। प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। कुकिंग ऑयल मैंने लिया हुआ है 3 से 4 टेबल स्पून। अब ये हम प्याज ऐड कर लेते हैं इस ऑयल में और इसको सौते करेंगे। ज़्यादा ब्राउन प्याज हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा हमें सौते करना है। अब मैं साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी चॉप किए हुए। और इसको हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। मैंने जो है फ्लेम रखा हुआ है मीडियम टू लो और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं टमाटर। फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि क्विक रेसिपी हमारी बनेगी ये बहुत ही। ये देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से मसाला हमारा बन रहा है चटपटा सा। ये मैंने ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करूँगी जो कि कुछ यूँ है। जब ये भुन जाए, क्योंकि इसमें जब बबल्स आएंगे तब हम इसमें स्पाइस सीजनिंग ऐड करना शुरू करेंगे। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा हसबे जायका, ज़ीरा जाएगा साबित ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं 5 चॉप्ड और 2 जो है मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हुई हैं। टोटल हमने 7 ली थी और 5 मैंने इस मसाले में डाल दिए हैं चॉप्ड करके। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है मसाले को ताकि इसमें बबल्स आने लगेंगे, तो इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है चटपटा और चटखारेदार सा। ये देखें अब इस पॉइंट पे मैं अरवी ऐड कर रही हूँ जो कि 750 ग्राम ली हुई है और इसको मसाले में अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरह लग जाए और ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। आप इस पॉइंट पे जो है कैरी भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो खटास के लिए। मैं लेमन जूस ऐड करूँगी एंड में। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला इसमें तैयार हो रहा है अरवी के साथ। कम से कम 5 से 8 मिनट आपको अच्छे से इसे फ्राई करना है मसाले के साथ ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए इस पे मसाला और कुक हो जाए ये। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है ये।
बहुत ही जल्द झटपट बनेगी। अब देखें 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए। अब इस पॉइंट पे हम इसे सिमर करने रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी अरवी अच्छे से गल जाए। ये अपने पानी में ही गल जाएगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके रख देंगे। गर्मी में सब्ज़ी एंड फ्रूट्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही लाइट होती हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये रेसिपी। देखिए तेल ऊपर आ गया, अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए सिमर करने रख रही हूँ ताकि ये गल जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे रख रहे हैं। 10 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं कि गल गई या नहीं। ये देखें बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट सी हमारी गल चुकी है ये। आप इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी चटखारेदार अरवी तैयार है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है इसका और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। अब इस पॉइंट पे हम लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि खट्टी हो जाए ये। देखें लेमन जूस चला गया, एक और लेमन ऐड कर लेते हैं। लेमन जूस हमने अच्छी तरह से इसको सर्व करते हुए हम डाल रहे हैं। अब मैं हरी मिर्चे से इसे गार्निश कर देती हूँ। 2 हरी मिर्चें हमने गार्निशिंग के लिए रखी हुई थी, ये ऐड कर दी। और कसूरी मेथी को हम स्प्रिंकल कर देते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी मसालेदार अरवी तैयार है। गर्मा गर्म आप सर्व करें इसे चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि आज की डिश आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल हॉट एंड टेस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।